हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। तो गाइस फाइव ऐसे रीज़न जिसको मतलब आपको देख के ये ड्यूक 250 लेनी चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब ये ओल्ड ही मॉडल पे मेरी वीडियो मतलब जो मैं बोलूँगा वो बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू बाइक पे भी है तो पावर फिगर वगैरह तो सब कुछ सेम ही है। गाइस ऐसा नहीं है, न्यू बाइक पे भी ये रिलेटेड है वीडियो। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं एंड आपको मैं बताता हूँ फाइव एडवांटेजेस। तो गाइस जो फर्स्ट रीज़न है ड्यूक 250 लेने का वो है गाइस इसकी पावर। तो गाइस इसमें मिलता है हमारे को 248.7 सीसी का इंजन एंड जिसमें पावर मिलती है हमारे को 30 पीएस की पावर एंड 24 एनएम का टॉर्क, जो कि गाइस इस वे रेट में सबसे पावरफुल है। बाइक भी काफ़ी पावरफुल है। तो गाइस फर्स्ट रीज़न तो ये था। गाइस अब बात करें सेकंड रीज़न की, तो वो है गाइस इसकी लुक्स। तो देख सकते हो गाइस कितनी प्यारी लुक्स है इसकी, स्पोर्टी लुक्स। एंड एक बार मतलब आप फ्रंट से भी देख लो कितनी ख़तरनाक लुक है इस बाइक की। तो गाइस मेरे को लगता है कि 250 सीसी में आपको इससे अच्छी लुक्स किसी बाइक में मिलने वाली है। तो गाइस लुक्स के मामले में तो ये 250 सीसी में सबसे टॉप पे है। मतलब अगर आप इसके ओवरऑल ग्राफिक्स देखोगे तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक है। देख सकते हो आप, देख सकते हो 250 सीसी की ब्रांडिंग एंड ड्यूक लिखा हुआ यहाँ पे। एंड ओवरऑल जो भी इसमें ग्राफिक्स है गाइस एकदम एक नंबर है। गाइस जो थर्ड रीज़न है वो है इसका मीटर कंसोल। तो गाइस इस बाइक में मतलब इतने फीचर मिलते हैं ना कि मतलब इतने मेरे को लगता है कि 250 सीसी मिलते होंगे। तो गाइस इसके मीटर में मार को मतलब साइड स्टैंड से लेके गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर एंड माइलेज एवरेज स्पीड एंड सर्विस कब आएगी कितने किलोमीटर पे आएगी। तो गाइस इसमें मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मतलब हद से ज़्यादा, तो इसको देखकर भी हम ये बाइक ले सकते हैं। तो गाइस जो थर्ड रीज़न है वो है इसकी ब्रेकिंग। तो गाइस इसमें मार को डुअल चैनल ABS मिलता है, 320mm की डिस्क मिलती है एंड देख सकते हो डिस्क का साइज़ एक बार आप। तो गाइस इस बाइक की भाई इतनी ख़तरनाक ब्रेकिंग है कि मतलब आप जहाँ पे ब्रेक मारोगे ना भाई बाइक वहाँ पे खड़ी हो जाएगी और काफ़ी सेफ भी है। गाइस जो फोर्थ रीज़न है वो इसका पावर टू वेट रेशो। तो इसका वेट है 170 kg के अराउंड, पावर है इसमें 250 cc के अराउंड, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा कि भाई इस बाइक में वेट ज़्यादा है या पावर कम है, तो बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का और पावर भी बहुत अच्छी जनरेट करता है इसका इंजन। गाइस ये थे कुछ फाइव रीज़न जिसको देख के आपको ये बाइक लेनी चाहिए ड्यूक 250। तो गाइस रीज़न तो काफ़ी है एंड डिसएडवांटेज भी बहुत है, तो वो आपको चाहिए तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। लेकिन फिलहाल थे गाइस फाइव रीज़न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस मतलब ये सारे रीज़न मेरे को लगते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को देख के बोला या ऐसा कुछ है, तो ये रीज़न मेरे को लगता है एंड हो सकता है आपको भी लगे। तो गाइस ये सारे रीज़न देख के आप ये बाइक ले सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बाय बाय, टेक केयर।